दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब की टीम को पूरी तरह से पटखनी दे दी है, लेकिन पंजाब की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करने वाले शाहरुख खान को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए बता दें आपको महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स को पहला झटका पहले ही ओवर में लगा जब मयंक अग्रवाल पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और पंजाब की टीम के एक के बाद एक विकेट्स गिरते रहे और 26 रन के स्कोर पर ही पंजाब की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद क्रीज पर मौजूद थे शाहरुख खान और झाई रिचर्डसन जिन्होंने पारी को संभाला। दोनों ही बल्लेबाज बेहद स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि चेन्नई के गेंदबाजों ने पूरी तरह से पंजाब की टीम को अपने शिकंजे में कस लिया था और पंजाब की टीम ने 10 ओवर के खेल के बाद 48 रन बना लिए थे, लेकिन इस बीच उन्होंने 5 विकेट खो दिए थे। लेकिन इसके बाद शाहरुख खान ने धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पंजाब की टीम ने अर्धशतक भी पूरा कर लिया और शाहरुख खान इस बीच पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने हाथ भी खोलने शुरू कर दिए थे। शाहरुख खान ने अपनी टीम के लिए 47 रनों की शानदार पारी खेली और 4 चौके और 2 छक्के लगाए और उन्होंने अपनी पारी की बदौलत पंजाब की टीम को 20 ओवर में 106 रन तक पहुंचाया। दोस्तों 107 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत बेहद धीमी रही और शुरुआती ओवरों में चेन्नई के बल्लेबाज पूरी तरह से रन बनाने में लाचार नजर आए, लेकिन उसके बाद पारी के 5वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 16 गेंदों में 5 रन बनाकर दीपक हुड्डा को अपना कैच थमा बैठे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे मोइन अली जिन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और फाफ डुप्लेसिस के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी करी। मोइन अली ने सबसे ज्यादा 31 गेंदों में 46 रन बनाए जबकि फाफ डुप्लेसिस 36 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई की टीम ने इस छोटे से लक्ष्य को 15.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने युवा बल्लेबाज शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही पंजाब किंग्स की टीम इस मैच को हार गई हो, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान ने आज अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि जब उनकी टीम मुश्किल परिस्थिति में थी तो ऐसे में अपनी टीम के लिए इतनी बेहतरीन पारी खेलना तो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि जब 26 रन पर आपकी टीम 5 विकेट खो दे तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है क्रीज पर टिक कर खेल पाना, लेकिन शाहरुख खान ने उस परिस्थिति में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 47 रनों की पारी खेली और इसमें सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने ये पारी सिर्फ 36 गेंदों में खेल डाली और साथ ही 4 चौके और 2 छक्के लगाए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शाहरुख खान अपने आप को साबित कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और अगर उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाता है तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि शाहरुख खान बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में उभरेगा। मैं खुद इस मैच में उनकी बल्लेबाजी को देखकर पूरी तरह से हैरान था, इसलिए मैंने मैच के बाद शाहरुख से बात की और उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें बधाई भी दी और मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक और जिस तरह से उन्होंने आज बल्लेबाजी की है उसको देखकर लगता है कि मैं उनका फैन हो गया हूं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि शाहरुख खान को ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।